दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी लोगों से बहुत ही प्यार से बच्चों बहुत ही ज़रूरी तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बच्चों मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये जाना है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सॉल्ट के नाम पे जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो NaCl को ही अपने ध्यान में लेकर के चलते हैं। बच्चों ये चीज़ गलत है। बच्चों देखिए, सारे के सारे सॉल्ट NaCl जैसे नहीं होते हैं। NaCl तो इतने सारे बच्चों हज़ारों सॉल्ट्स में से एक सॉल्ट है। अब मैं NaCl को क्यों इतना बच्चों मैं बारे में उसके बारे में बता रहा हूँ। बच्चों देखिए, NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। NaCl बच्चों हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब सारे सॉल्ट बच्चों न्यूट्रल नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों आपको दिमाग में डालनी है, सारे के सारे सॉल्ट NaCl की तरह न्यूट्रल नहीं होते हैं। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, सॉल्ट्स कैन बी बेसिक और सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसीलिए तो बच्चों सवाल बनता है कि आपको बच्चों सॉल्ट्स का पीएच निकालने को आ सकता है। अब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होने पे इनके पीएच अलग अलग होंगे। तो सॉल्ट का बच्चों पीएच कैसा होगा, इसको हम लोग बच्चों कैसे निकालेंगे? बच्चों देखिए, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा जो सॉल्ट होता है उसमें कैटायन और एनायन बच्चों कौन सा मौजूद है। बच्चों सॉल्ट में जो कैटायन है और जो एनायन है, ये बच्चों कौन सा मौजूद है? बच्चों देखिए, सॉल्ट का जो कैटायन होता है ये अगर एक्टिव है, अगर बच्चों सॉल्ट का कैटायन एक्टिव है तो इसके एक्टिव होने से ये सॉल्ट को बच्चों थोड़ा सा एसिडिक गुण प्रदान करेगा। और ये याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि कैटायन पे प्लस चार्ज है। इट इज़ जस्ट लाइक एच प्लस, इट इज़ जस्ट लाइक एच प्लस, बट इसको एक्टिव होना चाहिए। और अगर हमारा जो सॉल्ट है दोस्तों, अगर हमारा जो सॉल्ट है उसका बच्चों एनायन अगर एक्टिव है, अगर उसका एनायन एक्टिव है, अगर बच्चों सॉल्ट का एनायन एक्टिव है तो ये बच्चों सॉल्ट को थोड़ा सा बेसिक गुण प्रदान करता है। सो बेसिकली ये सॉल्ट का बिहेवियर इस चीज़ पे निर्भर करता है कि उसमें कैटायन और एनायन बच्चों कौन सा मौजूद है। अब बच्चों देखिए, कैटायन एक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बच्चों फंडा साफ रहता है दोस्तों, इसके लिए फंडा साफ रहता है कि आपको ये देखना है कि आपका जो कैटायन है, आपका जो कैटायन है उसमें अगर हम बच्चों OH लगा दें, अगर बच्चों हम कैटायन में OH लगा दें तो जो बेस बनता है वो बच्चों बेस कैसा है, ठीक है? सॉल्ट के कैटायन में अगर हम OH लगा दें तो जो बच्चों बेस बनता है वो कैसा बेस है? बच्चों इस कैटायन में OH लगाने पे जो बेस बना है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो बच्चों अगर ये कॉन्जुगेट बेस, बच्चों अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर दोस्तों ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर दोस्तों सॉल्ट का कैटायन का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऐसे में दोस्तों समझ लीजिए कि जो हमारा कैटायन होगा वो लेस एक्टिव होगा या वो एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है? वो एक्टिव ही नहीं होगा। अब बच्चों इस कड़ी में हम लोगों के पास एग्जांपल आते हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेसिकली मोटे तौर पे एल्कली और एल्कलाइन के हाइड्रोक्साइड्स। बच्चों ये बहुत ही तगड़े बेस होते हैं तो इनके जो कैटायन होते हैं वो ज़रा से भी एक्टिव नहीं होते हैं, आप उनको न्यूट्रल कैटायन कह सकते हैं। ये कैटायन एसिडिक नहीं होते बल्कि न्यूट्रल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों अगर हमारे सॉल्ट के कैटायन में OH लगाने पर, सॉल्ट के कैटायन में OH लगाने पर बनने वाला बेस वीक बेस है, बनने वाला वीक बेस है। जैसे कि हम लोगों का NH4+ आयन, जैसे कि बच्चों NH4+ आयन क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है? सो अगर ये वीक बेस है तो ऐसे ही केस में जो कैटायन होगा एक्टिव होगा और ये एसिडिक गुण प्रदान करेगा, ठीक है? सो बच्चों हमारे पास जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एक वीक बेस है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है क्योंकि सिल्वर और कॉपर उतने ज़्यादा मेटालिक एटम नहीं है। सो ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटायन होते हैं उनमें अगर हम OH लगा दें तो हमको वीक बेसिस मिलते हैं। सो इनके जो कैटायन होते हैं, वीक बेसिस के जो कैटायन होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैटायन NH4+, AgOH का कैटायन Ag+, CuOH2 का कैटायन Cu+2, लेड हाइड्रोक्साइड का कैटायन Pb+2। तो ये सब के सब बच्चों हमारे वीक बेस हैं, तो इनके जो कैटायन है वो एक्टिव हैं और इनके अंदर बच्चों हल्का सा एसिडिक गुण होता है, ठीक है? ये बच्चों एसिडिक गुण देंगे। तो ये दोस्तों हमारा फंडा रहता है। अब सेम चीज़ बच्चों हमारी यहाँ पर भी आती है, बेस के केस में बच्चों हमारी यही चीज़ आती है, ठीक है? सो अगर दोस्तों हमारे पास जो बेस है, उसमें भी हमको ये देखना है। सो बेस का एनायन, बच्चों हमारे पास जो सॉल्ट है
उसका जो एनायन है, हमारा जो सॉल्ट है उसका जो एनायन है वो एक्टिव है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको इस एनायन में H प्लस जोड़ देना है, आपको इस एनायन में H प्लस जोड़ देना है। एनायन में H प्लस जोड़ने से जो एसिड बनेगा उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर ये बच्चों कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग है, अगर ये बच्चों कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग है तो हमारा जो एनायन है वो लेस एक्टिव होगा, और लेस एक्टिव है तो मतलब ये बेसिक नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये बच्चों जो बेस है हमारा वीक बेस है, अगर ये बच्चों वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, अगर ये बच्चों वीक एसिड है, ठीक है, अगर ये वीक एसिड है तो ऐसे केस में हमारा एनायन एक्टिव होगा और ये बेसिक एक्शन बच्चों प्रदान करेगा, ठीक है। अब इसके कैसे एग्जांपल आ जाते हैं बच्चों, अगर हमारे एनायन में H प्लस लगाने के बाद जो एसिड बन रहा है वो HCl, HNO3, H2SO4 पर क्लोरिक एसिड HClO4 जैसा है, तो सर्टेनली ये बहुत तगड़े एसिड हैं, और तगड़े एसिड के जो एनायन होते हैं वो ज़रा से भी बेसिक नहीं होते हैं, दे आर लेस एक्टिव, दे आर इनएक्टिव। और अगर हमारे एनायन में H प्लस लगाने के बाद जो बनने वाला एसिड है वो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, H2S, कार्बोनिक एसिड, इस तरीके से कोई एसिड बन रहा है तो ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, तो मतलब इनके जो कॉन्जुगेट आयन होते हैं, इनके जो एनायन होते हैं, जैसे कि हमारा एसिटेट आयन, ऑक्सलेट आयन, ठीक है, हमारा कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, ये सब बच्चों थोड़े बहुत बेसिक होते हैं क्योंकि इनके एनायन, ये सब एनायन थोड़े से एक्टिव हैं। सो सॉल्ट का बच्चों बिहेवियर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, किस पे डिपेंड करता है? सॉल्ट में मौजूद कैटायन और एनायन के नेचर पे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे कंसेप्ट पूरा होता है। अब बच्चों देखिए, आपको सॉल्ट का पीएच कैसे निकालना है? दोस्तों आपको देखिए सॉल्ट का पीएच कैसे निकालना है, अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बट आई होप बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये जो हमने अभी जो कंसेप्ट सीखा है उसके बारे में बच्चों आपको कुछ पास्ट की आई हुई जेई प्रॉब्लम्स को मैं कराना चाहूँगा। वेरियस बच्चों सॉल्यूशंस का पीओएच को बच्चों ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सो हमें इन सॉल्यूशंस को इनके पीओएच के ऑर्डर में अरेंज करना है। सो बच्चों पीओएच किसका ज़्यादा होगा? दोस्तों पीओएच किसका ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा बेसिक होता है, जो चीज़ ज़्यादा बेसिक होगी उसकी पीओएच भी ज़्यादा होगा। बच्चों देखिए HCl तो वेरी एसिडिक है, HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। NaOH वेरी वेरी बेसिक हो जाएगा, NaOH बच्चों बहुत बहुत बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों देखिए हमारे पास सॉल्ट आ गया, हमारे पास बच्चों कौन सा सॉल्ट आ गया? सोडियम एसीटेट। बच्चों सोडियम एसीटेट में जो Na+ है ये NaOH से आया है, ये जो Na+ है ये NaOH से आया। अब चूंकि NaOH बहुत स्ट्रांग बेस है तो मतलब ये इनएक्टिव कैटायन है, इसके होने ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ न्यूट्रल कैटायन। वहीं दोस्तों जो एसीटेट आयन है, दोस्तों जो एसीटेट आयन है ये एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये बच्चों बेसिक है, ये एक्टिव है और ये बेसिक है। तो सोडियम एसीटेट जो है बच्चों ये माइल्ड बेस होगा, ये हल्का सा बच्चों माइल्ड बेसिक सॉल्ट होगा। अब आप कहेंगे सर आपने बेसिक बोला था, माइल्ड तो नहीं बोला। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, कोई भी जो सॉल्ट होगा वो बहुत एक्सट्रीम एसिड और बहुत एक्सट्रीम बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। सॉल्ट या तो न्यूट्रल होंगे या फिर अगर उनके कैटायन एक्टिव है तो हल्के से एसिडिक होंगे, और अगर उनके एनायन एक्टिव है तो वो हल्के से बेसिक होंगे, बट दे आर नेवर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास माइल्ड बेस है। इसके बाद बच्चों हमारे पास NaCl है। सो गाइस NaCl के केस को आपको पता है कि NaCl में Na+ झंडूबाम है, बेकार है, और Cl- भी बच्चों झंडूबाम है, बेकार है, तो ये दोनों ही बच्चों इनएक्टिव कैटायन एनायन है, तो ये भी बच्चों न्यूट्रल होगा। सो अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें POH के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा B, ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों बेसिक होगा B, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा B, B सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद कौन बेसिक होगा? C, सबसे ज्यादा बेसिक है B, उसके बाद कौन बेसिक होगा? C, उसके बाद कौन होगा हमारा? सो B, C, उसके बाद कौन होगा? D, और सबसे कम होगा A। तो ये है बच्चों क्या? बेसिक ऑर्डर। बच्चों यहां पर प्लीज ध्यान रखना, ये है क्या? बेसिक ऑर्डर। ये है बच्चों क्या? बेसिक ऑर्डर। बच्चों ये है इनका बेसिक ऑर्डर। बच्चों ये जब सवाल आया था एग्जाम में तो काफ़ी सारे बच्चों इस ऑर्डरिंग में गलती कर दे, तो वहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों देखिए हमने यहाँ पर ये बेसिक ऑर्डर इनका निकाला है, दोस्तों हमने यहाँ पे इनका बेसिक ऑर्डर निकाला है। अब बच्चों याद करो, जो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है बच्चों, जो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है उसका पीएच कम होता है, इसी तरह से बच्चों पीओएच में भी होगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बेसिक होगी उसका पीओएच उतना ही
कम होगा, जो चीज जितनी ज्यादा बच्चों बेसिक होगी उसका पीओएच बच्चों उतना ही कम होगा। सो अगर बी सबसे ज्यादा बेसिक है तो इनके पीओएच का ऑर्डर हो जाएगा, इनके बच्चों पीओएच का ऑर्डर हो जाएगा, सो इनके पीओएच का ऑर्डर होगा जो चीज जितनी ज्यादा बेसिक है उसका पीओएच उतना कम होगा। सो इनके पीओएच का ऑर्डर एकदम उल्टा हो जाएगा, ए डी सी एंड बी। तो ये बच्चों इनके पीओएच का ऑर्डर होगा। दैट वाज द आंसर फॉर जेईई मेन 2020 क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को बच्चों ध्यान रखना, कई लोगों ने इस सारी चीजों को प्रिडिक्ट तो सही से कर लिया था लेकिन ऑर्डरिंग लगाते समय थोड़ा सा गलत हो गया। सो पहले आपने इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है, कौन ज्यादा बेसिक है, एनवीएच सबसे ज्यादा बेसिक, ठीक है, उसके बाद सोडियम एसिटेट क्योंकि माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, फिर NaCl और सबसे कम बेसिक तो HCl क्योंकि वो तो एसिड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बेसिक ऑर्डर आ गया, तो इनके जो पीओएच का ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली उल्टा होगा, जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच उतना कम होता है, इसी तरह से जो जितना ज्यादा बेसिक होता है उसका पीओएच भी उतना कम होता है क्योंकि पीओएच इज माइनस लॉग ओएच माइनस। ठीक है, ये चीज। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बच्चों काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है और ये हमारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगा। बच्चों देखिए हमको यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक एक्वा सॉल्यूशन, किसका बच्चों जो सॉल्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे हमको अलग अलग कैटेगरी के बच्चों सॉल्ट दिए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स इन सॉल्ट के नेचर को पहचानते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहला सॉल्ट है हमारे पास AlCN3, सबसे पहला सॉल्ट है हमारे पास AlCN3। बच्चों देखिए Al मिला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से जो कि बेसिकली एम्फोटेरिक होता है, बट चलो हम इसको वीक एसिड के तौर पे ले ले, मतलब इसका एसिडिक बिहेवियर बस आप देखो, ठीक है, इसका बच्चों सॉरी इसका बेसिक बिहेवियर देखिए, तो ये होता तो एम्फोटेरिक है बट ये इसको हम वीक बेस की तरह से ले सकते हैं, भाई एसिड बेस दोनों बिहेवियर है बट इसका बेसिक बिहेवियर बहुत ही माइल्ड बेस है। और दूसरी तरफ CN- है, ये HCN है, तो ये बच्चों वीक एसिड होता है, HCN एक वीक एसिड है। सो बेसिकली इसका जो कैटायन है वो भी थोड़ा सा एसिडिक है, इसका जो एनायन है वो भी थोड़ा सा बेसिक है, तो अगर कैटायन एनायन दोनों ही एक्टिव है तो सॉल्ट बच्चों मोर ऑर लेस न्यूट्रल टाइप का ही होगा। सो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट न्यूट्रल इन नेचर क्योंकि दोनों ही एक्टिव है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब बच्चों CH3COOK, दोस्तों ये हमारा CH3COH, ठीक है, और KOH। अब चूंकि बच्चों KOH हमारा, क्योंकि दोस्तों KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो कैटायन होगा ये इनएक्टिव होगा, ये बच्चों इनएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव है, इसके होने ना होने से कुछ नहीं होगा। ये बच्चों वीक एसिड है तो इसका जो एनायन है ये एक्टिव है, ये बच्चों एक्टिव है, और एनायन कैसा होता है OH- जैसा, एनायन कैसा होता है OH- जैसा, तो ये बच्चों माइल्ड बेस होगा, ये बच्चों हल्का सा बेसिक सॉल्ट है, दोस्तों ये हल्का सा बेसिक सॉल्ट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है FeCl3। बच्चों FeCl3 हमारा बना है FeOH3। अब चूंकि ये डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड है, ये एल्कली एल्कलाइन का हाइड्रोक्साइड नहीं, डी ब्लॉक है, तो ये वीक बेस हो गया, ये बच्चों वीक बेस हो गया। और दूसरी तरफ है HCl, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो एनायन है ये इनएक्टिव है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका एनायन इनएक्टिव है, FeOH3 वीक बेस है तो इसका कैटायन एक्टिव है, और एक्टिव होने से कैटायन के एक्टिव होने से मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कैटायन के एक्टिव होने से बंदा थोड़ा सा एसिडिक होगा, तो ये बच्चों सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, FeCl3 इज एन एसिडिक सॉल्ट। बच्चों इसी तरह से जो चौथा एग्जाम्पल है वहां पे लेड हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड है, लेड हाइड्रोक्साइड हल्का सा बेस है तो इसका कैटायन हल्का सा एसिडिक हो गया, और एसिटिक एसिड हल्का सा एसिड है तो इसका एनायन हल्का सा बेसिक हो गया, तो यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों ही एक्टिव है क्योंकि दोनों ही वीक एसिड वीक बेस से आ रहे हैं। अब अगर कैटायन एनायन दोनों ही एक्टिव है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी दोस्तों न्यूट्रल ही सॉल्ट होगा, ये भी दोस्तों न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है, तो सर्टेनली बच्चों पोटेशियम एसिटेट हमारा इनमें सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर हमसे पूछता सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्ट कौन सा है तो बच्चों FeCl3 यहां पर हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्ट होता। फ्रेंड्स अब जब हम सॉल्ट्स के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को पहचानना सीख गए हैं तो बारी आती है बच्चों सॉल्ट का पीएच कैसे निकालेंगे। बच्चों देखिए सॉल्ट का पीएच निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है कि आपको सॉल्ट का नेचर पता करना है, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर किस तरीके का है, ठीक है। सो बच्चों यहां पर सबसे पहले समझिए कि अगर दोस्तों हमारा सॉल्ट एसिडिक है, बच्चों अगर हमारा सॉल्ट एसिडिक है तो बच्चों एसिडिक सॉल्ट जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल ले सकता हूं अमोनियम क्लोराइड का,
जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल ले सकता हूं अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड बच्चों एक एसिडिक सॉल्ट है। अब ये बच्चों एसिडिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि बच्चों ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। सो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है उनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट होता है बच्चों वो थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो कैटायन है वो एक्टिव है, एनायन तो यहां पर फालतू है, बेकार है, झंडूबा में उसका कोई रोल नहीं। तो बच्चों ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बच्चों एसिडिक सॉल्ट होगा। अब ये जो बच्चों एसिडिक सॉल्ट है इसका पीएच कैसे निकालेंगे? सो गाइज इसका जो पीएच होगा दैट इज गोइंग टू बी 1/2 पीकेडब्ल्यू, मतलब पानी का केडब्ल्यू, पानी के केडब्ल्यू का लॉग। बेसिकली पीकेडब्ल्यू क्या होता है? 14। इसकी वैल्यू होती है 14, पानी के डिसोसिएशन कांस्टेंट का माइनस लॉग, दैट इज बेसिकली 14। सो इट इज बेसिकली 14। टेम्परेचर 25 होता है तो इसकी वैल्यू 14 है। हमेशा 14 नहीं होगी बट 99.9% केसेस में 14 ही होता है। सो पीकेडब्ल्यू मतलब 14 प्लस बच्चों। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा यहां पर मेरे बच्चों आपको एक चीज समझनी कि आपका सॉल्ट जो है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। और एसिडिक सॉल्ट का बच्चों जो पीएच होता है वो क्या होगा? 7 से कम होगा। एसिडिक सॉल्ट का पीएच बच्चों 7 से कम होगा। तो चूंकि बच्चों पीएच 7 से कम होगा एंड राइट नाउ दिस वैल्यू इज 7, सो यू हैव टू मेक दिस वैल्यू लेस देन 7। तो फॉर्मूले में जो आगे के जो टर्म्स हैं दे ऑल आर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस पीकेबी एंड माइनस लॉग सी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सो पीएच बराबर 1/2 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी। अब ये पीकेबी क्या है और लॉग सी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों पीकेबी है हमारा जो हमारा यहाँ पे जो वीक बेस है, जो बच्चों हमारा वीक बेस है सॉल्ट के कैटायन का बच्चों जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बच्चों केबी आपने लेना है, उसका बच्चों केबी लेना है। तो इसके केबी का, इसके केबी का, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का माइनस लॉग, दैट इज बच्चों हमारा माइनस पी केबी। और लॉग सी क्या है बच्चों? लॉग सी क्या है? हमारे इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, हमारे बच्चों इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों देखिए टू बी वेरी वेरी प्रिसाइजली, अगर आप बच्चों अपनी प्रिपरेशन को परफेक्शन देना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे समझिए जो सॉल्ट जो कंसेंट्रेशन सी है ये सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ना होकर के बल्कि उसके कैटायन की कंसेंट्रेशन है, बिकॉज कैटायन इज एवरीथिंग इन दिस सॉल्ट, ठीक है। तो सी क्या है? नॉर्मली किताबों में कहते हैं सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बट एक्चुअली बच्चों इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन। सो आई वॉन्ट टू रिपीट दिस एग्जैक्टली फॉर्मूला। सो पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी। अब यहां पर माइनस क्यों, इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि सॉल्ट एसिडिक है तो पीएच 7 से कम होगा तो सारे टर्म माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है, अगला फॉर्मूला अगर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है दोस्तों, अगर हमारे पास बेसिक सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये NaOH और एसिटिक एसिड से मिलकर बना है। दोस्तों NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कैटायन है वो इनएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन इनएक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो इसका जो एनायन है दैट इज एक्टिव इन नेचर, इसका एनायन बच्चों एक्टिव है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे एनायन एक्टिव है, माई डियर फ्रेंड्स, चूंकि दोस्तों यहाँ पे एनायन एक्टिव है तो ये जो सॉल्ट होगा हमारा हल्का सा बेसिक होगा। अब बेसिक है तो इसका पीएच 7 से अधिक होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो हियर द बच्चों पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू कितना होता है? 14, ठीक है। अब चूंकि वैल्यू 7 से अधिक रखनी है सो प्लस पीकेए प्लस लॉग सी, ठीक है। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर देखिए चीजें कितनी आसान है, सॉल्ट बेसिक है, बेसिक है तो पीएच 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो चीजों को प्लस कर देंगे। भाई ये तो 14/2 7 हो गया, अब 7 को बढ़ाना है ना, बेसिक लाने के लिए पीएच को 7 से ऊपर करना है तो चीजों को प्लस कर दिया। पिछले वाले फॉर्मूले में एसिडिक था तो पीएच को 7 से कम करना था तो 7 में से चीजों को माइनस किया, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी। अब यहां पे सवाल है व्हाट इज दिस पीके, व्हाट इज दिस पीके? बच्चों पीके पीकेवी जो फॉर्मूले में यूज होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के केस का पीके होता है, ठीक है। वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का पीके पीकेवी होता है। सो यहां पर बच्चों हमारे पास जो एसिड है वो कौन सा एसिड है? ये बच्चों एसिड है और इसी का बच्चों जो के का जो माइनस लॉग होगा दैट इज बच्चों पीके। सो माइनस लॉग के ऑफ दिस एसिड
इज गोइंग टू बी पी के. बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्मूले में जो पी के बी है वो हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइन होते हैं. पी के बी की वैल्यू वीक एसिड वीक बेस के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि जो के बी होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो वीक एसिड वीक बेस पे ही लगता है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता ही नहीं है. ठीक है, तो जो इनमें से जो वीक कंपोनेंट है उसी का के बी आपने लेना होता है दोनों फॉर्मूले में. और ये सी क्या है बच्चों? सी किताबों में लिखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बट टू बी वेरी प्रिसाइजली इस सॉल्ट में जो मेन चीज है क्या है? एनायन. तो सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन. ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चीजें रहेंगी. अब फ्रेंड्स देखिए, मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो यही फॉर्मूले होते हैं, बट इसके अलावा टोटल बच्चों फॉर्मूले हमारे पास ये चार होते हैं, लेकिन इनमें से मेन हमारे यही दो फॉर्मूले होते हैं. सो आप इन चारों फॉर्मूलों को यहाँ पे आपके सामने जो टेबल आ रही है उसमें देख सकते हैं. आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और सारी चीजें आपको इसी तरह से करनी. बच्चों जो चौथा केस होता है, जहां पे कि सॉल्ट एक वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलता है, सॉल्ट का कैटायन भी एक्टिव है, सॉल्ट का इनायन भी एक्टिव है, तो वहां पे दोस्तों पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए माइनस पीकेबी. फ्रेंड्स देखिए, इसी सॉल्ट के पीएच के ऊपर हमारे पास एक सवाल है जो कि 2017 का बच्चों सवाल है. चलिए इसको देखते हैं. सो पीके ऑफ अ वीक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अ वीक बेस इज इतना. सो वीक एसिड और वीक बेस दोनों हमारे पास दिए हुए हैं, तो उनका जो सॉल्ट होगा उसका बच्चों पीएच क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, सो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसका पीएच क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है. बच्चों देखिए, जो चौथी कैटेगरी का जो सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है, सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड प्लस वीक बेस, इनका जो सॉल्ट होता है उसका जो पीएच होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर जो पीएच का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए माइनस पीके बी. एंड यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. कैसे बच्चों आप इसको याद रखेंगे? बच्चों पीएच है ना, आप पीएच निकाल लो ना, पीएच कहां पे होता है? पीएच मतलब माइनस ऑफ लॉग एच प्लस. एच प्लस, एच प्लस कहां से आता है? एसिड से आता है. तो यहां पे बच्चों फॉर्मूले में आप पीएच निकाल रहे हो तो पहले पीके होगा, क्योंकि एसिड ही एच प्लस देता है, एसिड ही एच प्लस देता है, एसिड का ही एच प्लस होता है. सो पीके ए पहले होगा, उसमें से पीके भी माइनस करोगे. बच्चों इसी फॉर्मूले में अगर हमसे पीओएच निकालने को बोले तो पीओएच हम 14 माइनस पीएच भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकल सकता है. और या फिर बच्चों अगर आप प्रिसाइजली पूछे तो उसका फॉर्मूला पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेबी माइनस पीकेए होगा. देखिए कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, इसको याद करना कितना आसान है. पीओएच कहां से आता है? ओएच कहां से आता है? पीओएच मतलब ओएच का माइनस लॉग. ओएच कहां से आता है? बेस से आता है. तो यहां पर पहले बेस लोगे, उसमें से एसिड के पीके को माइनस करो. सो पीके बी माइनस पीके, और जब पीएच है तो पीके माइनस पीके बी. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, वेरी इजी टू रिमेंबर. सो बच्चों यहां पे हमको इन्हीं फॉर्मूले को लगाना है. अब आइए चलिए देखते हैं. सो हमारे पास वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू व्हिच इज 14 प्लस पीकेए प्लस पीके. व्हाट इज पीके? पीके कितना दिया हुआ? 3.2 प्लस पीके माइनस पीकेबी. पीकेबी कितना है? माइनस 3.4. ठीक है, इसको हम लोग बच्चों सॉल्व कर लें. अगर हम लोग बच्चों इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 6.9. ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हल्का सा एसिडिक सॉल्ट होगा. इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे प्रोसीड करना था. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग सॉल्ट के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें कि वो सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, और उसका पीएच बच्चों किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. दोस्तों इस ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम की सीरीज चल रही है, इसमें मैंने दो वीडियो और भी डाले हुए हैं, जिसमें कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या उसका कॉम्बिनेशन है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं. और सेकेंड वीडियो में हमने आपको वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना और उसमें कॉमन एनिफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो बच्चों हमने आपको बताया था. सो किसी भी बच्चे ने अगर ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वहां पे जाकर के आप उनको देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, अगली चीज, इस सीरीज में अगला हमारा जो वीडियो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट बफर सॉल्यूशन. पहले हम लोग जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बफर. तो उसके बारे में दोस्तों अगले आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कशन होगा, मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर. इसी तरीके से बच्चों फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए.